हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशली फॉर द टेस्ट नेट। एंड कंप्लीट पीडीएफ को एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज़। इसमें कंप्लीट जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक सजेशन, प्लस मेरे यूट्यूब वीडियो, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ लेने के लिए आप studysideeffect@gmail.com में मेल करना, और जितने भी यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है सारे ही टेस्ट नेट के सिलेबस से रिलेटेड है, तो ज़रूर देखना। तो एक और नया प्रोग्राम ऐड किया गया है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में, जो प्रोग्राम का नाम है मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स। तो ये प्रोग्राम कुछ नया नहीं है, क्योंकि एक बात बताऊं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ये प्रोग्राम पहले से ही अवेलेबल था। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं, वीकेंड में क्लासेस होते हैं, वैसे ही करके इनका एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिक्स करके प्रोग्राम था। अब इसे फुल टाइम में करके मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस में भी कन्वर्ट किया गया है, और आप अब टिस्नेट के जरिए आप इसका भी एंट्रेंस देके आप एडमिशन ले सकते हो। तो फीस थोड़ा फर्क है इसमें, फीस अगर बात करें तो ये 7,72,600, तो एचआरएम के मुताबिक तो बहुत ही हाई है। एचआरएम के कुछ 2,20,000 या 2,30,000 होगा अप्रॉक्स, इतने ही फीस है। लेकिन ये थोड़ा डेवलपमेंट फंड या प्रोग्राम फंड जो होती है उसके वजह से थोड़ा फीस हाई हो जाता है। तो ये न्यू प्रोग्राम है मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लेबर स्टडीज में। इंटेक्स तो 30 बता रहे हैं, अब देखो कितने लेते हैं। कभी कभी होता है ज़्यादा भी ले लेते हैं, जैसे कि एचआरएम में होता है कि 60 बताते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा भी लिया जाता है। तो इंटेक्स के बारे में 30 है, और वेबसाइट में देखो, ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स व्यू डिटेल, तो आप भी जाकर देख सकते हो। तो एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी तक तो वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप भी चेक कर सकते हो। अपडेट जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अभी तक कुछ लिंक्स को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी आए तो अपडेट में आपको मैं बता दूंगा। तो फीस फॉर द हॉस्टलर जो इंक्लूडिंग डाइनिंग हॉल और आपको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके लिए ये फीस है। और जो नॉन हॉस्ट जो भी जैसे कि आपको हॉस्टल नहीं दिया गया और डाइनिंग हॉल नहीं लेते हो, तो आपका फीस ये रहेगा। तो आप तो लोगे ही तो 7,72,600 आपकी फीस पड़ेगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एचआरएम को जाते हो। एचआरएम का तो फीस बहुत ही कम है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, 2,30,000 के करीब है। तो जैसे कि आप एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो ना, कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका एचआरएम रहेगा, तो सेकंड प्रेफरेंस आप मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एमएससी या एमए इन एनालिटिक्स भी सेकंड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँ तो, जब तक एलिजिबिलिटी नहीं आए तब तक आप चूज मत करना बिना पढ़े, ठीक है। एलिजिबिलिटी आने दो, या मैं अपडेट कर दूंगा, या आप वेबसाइट में भी देखते रहना। तो उसका अगर आप एलिजिबल हो तभी आप सेकंड प्रेफरेंस में रख सकते हो, या आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप जो भी करना करना। और वेबसाइट के मुताबिक आज से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टाइमिंग पता नहीं है, लेकिन आज ही बता रहा है, और लास्ट डेट कब है वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो जब तक अपडेट हो जाए तब तक वेट करो, और अपडेट आते ही मैं आपको वीडियो के जरिए शेयर कर दूंगा। और आप भी वेबसाइट देखते रहना, और कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हो तो टिस्ट केयर आपका शो कर रहा होगा कॉल नंबर, टिस्ट केयर के कॉल में आप कॉल करके आप जान सकते हो, ठीक है। मुझे कमेंट मत करना एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज से, तो टिस्ट केयर में कॉल करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा।